गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे सब लोग। अच्छे से स्टडी करते रहिए। आपकी ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में ज्योग्राफी में 3 लेक्चर्स हो चुके थे। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। प्लान ये है कि ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री और फिर उसके साथ में पोलाइटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, मैथ्स, सभी टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। तो हिस्ट्री सेगमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हम पाषाण काल से संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर पॉइंट्स आ जाते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्टली कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीट वाले ही पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पाषाण काल था क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि पहले हम लोग जब प्राचीन काल में कहें को तो बहुत ही हजार साल पहले हमारी जो सभ्यता विकसित बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय हमारे जीवन में जो भी चीज़ें थी, जो भी उपकरण थे जिनसे हम जीवन जी रहे थे, वो सब पत्थर की ही चीज़ें बनी हुई थी। तो उस समय को पाषाण काल कहा गया था। तो उसी संबंध में क्वेश्चन है, पहला पॉइंट देखते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करना होगा इनका। इनसे संबंध में हम टेस्ट भी आपको जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे, टेस्ट भी कराते रहेंगे आपका। तो ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। अगला पॉइंट, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही होगा कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। कॉपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। एग्जाम में आया हुआ है कि जो कॉपेनहेगन संग्रहालय है, म्यूजियम है वहाँ पर, वहाँ की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह 3 युगों में किसने बांटा था, थॉमसन ने बांटा था। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है और है भी, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, कब मिलते हैं, मध्य पाषाण काल से। यानी जो पशुपालन हुआ था वो कब से स्टार्ट हो गया था, मध्य पाषाण काल से हो गया था। ये मध्य पाषाण काल क्या है, हुआ क्या था कि जो पाषाण काल है इसको हमारे जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने क्या किया है कि 3 भागों में बांट लिया, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है, वह स्थान कौन सा है, आदमगढ़। कौन सा स्थान है वह, आदमगढ़। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि आप मेरे साथ भी एक दो बार बोल लें तो ये अच्छे से आपके मन में सेट हो जाएगा। अगला पॉइंट नोट करते हैं। चोपानी मांडो, काकोरिया, मदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मदहा से। हड्डी के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं, मदहा से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, कहाँ से, मदहा से। ध्यान रखना ये मदहा से ही प्राप्त हुए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा से। कहाँ से मिले 3 मानव कंकाल, दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न जो उपजाए गए थे सर्वप्रथम, वो कब उपजाए गए थे, नव पाषाण काल में। हालांकि खेती की तो शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन खाद्यान्न कब उगाए इन्होंने, नव पाषाण काल में। नेक्स्ट में, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ से, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था, ना जौ था। खेती कब की गई थी, नव पाषाण काल में, और सबसे पहले क्या उगाया उन्होंने, जौ को उगाया था। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लुहरादेव से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लुहरादेव से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहले कृषि कहाँ हुई थी, लुहरादेव में हुई थी। नेक्स्ट, पुरापाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोथिलिक युग भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट,
आगरे मेहरगढ़ कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है? मेहरगढ़ है। मतलब मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ पर पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नब्दा टोली का उत्खनन कराया था किसने कराया था? ये HD सांकलिया ने कराया था। ठीक है, तो आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इतने रखेंगे, क्योंकि अगर इन हर पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हर पॉइंट के बारे में इतना होता है कि उस पर एक रिसर्च भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए स्टडी करना है, तो आपकी स्टडी की सही दिशा होनी चाहिए। इसीलिए हमने उन्हीं पॉइंट्स को बताया है जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, इनको आप लोग बार बार समझ लीजिए और इनको एक तरीके से रट डालिए। ये पॉइंट रटने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर से आपको कुछ और पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए।